हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान अब नहीं रहे। वाजिद खान का मुंबई में निधन हो गया। वाजिद खान किडनी और गले के संक्रमण से पीड़ित थे। बताया जा रहा था कि वाजिद 3 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। देखिए, मुंबई के चेंबूर स्थित सोराना सेठिया अस्पताल में वे भर्ती थे। वाजिद खान आखिरी वक्त में वाजिद खान कोरोना से संक्रमित हो गए थे। साजिद और वाजिद की जोड़ी ने सलमान खान की कई फिल्मों में संगीत दिया है। 98 में सलमान खान और काजोल की फिल्म प्यार किया तो डरना किया से लेकर उन्हें अपने करियर की शुरुआत की। बहुत छोटे वक्त में ही एक लंबा दायरा पार कर लिया। संगीतकार के तौर पर रियलिटी शोज में जज के तौर पर वाजिद एक जाना पहचाना नाम है। जो पिछले 3 महीने से किडनी और सांस की बीमारी से परेशान थे, आखिरी वक्त में कोरोना पॉजिटिव भी हो गए तो वेंटिलेटर पर थे। किडनी की बीमारी से पहले से ही जूझ रहे थे और उसके बाद ये भी खबर आ रही कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। कोरोना से भी आखिरी वक्त में वो संक्रमित हो गए थे। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बॉलीवुड भी इससे प्रभावित है। यही वजह है कि वाजिद खान का भी निधन हो गया है और वजह कोरोना बताई जा रही है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है। सुबह सुबह हमें ये खबर आपको देनी पड़ रही है, हमें इस बात का बेहद दुख है। लेकिन हम आपको संगीतकार साजिद वाजिद की हिट जोड़ी के बारे में और भी कुछ बताना चाहते हैं। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से 1998 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सलमान खान की कई फिल्मों में भी इस जोड़ी ने संगीत दिया। 98 से लेकर 2004-05 तक एक तरह से वाजिद साजिद का वर्चस्व था बॉलीवुड में। तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, ये तमाम सलमान खान की फिल्में, जो फिल्में भी हिट रही, लेकिन फिल्मों के हिट होने में म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल था। वॉन्टेड, वीर, दबंग, एक था टाइगर फिल्मों में भी इन हिट जोड़ी ने संगीत दिया और ये ज्यादातर फिल्में वो फिल्में हैं जो कि सलमान खान स्टारर मूवीज रही है। साजिद और वाजिद दोनों भाई थे, हम उम्र थे तकरीबन, और दोनों की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 22 साल से एक तरह से कहा जाएगा कि राज कर रहे थे। और वाजिद फिल्म और फिल्मों के अलावा, संगीत के अलावा, रियलिटी शोज में भी आते रहे। वे एक जज के तौर पर भी काफ़ी पॉपुलर हुए लोगों के बीच में। और इस वक्त की एक सबसे दुखद खबर यही है कि साजिद वाजिद की जोड़ी दार रहे वाजिद खान का मुंबई में निधन हो गया है। वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। इससे पहले वो किडनी की बीमारी की वजह से लगातार लंबे समय से हॉस्पिटल में थे और वेंटिलेटर पर भी थे। तो नहीं रहे संगीतकार वाजिद खान। बहुत दुखद खबर और बहुत बड़ी क्षति संगीत की दुनिया में बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इस लिहाज से भी, क्योंकि आज के दौर में तमाम सिंगर्स जो छोटी उम्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि साजिद वाजिद की जोड़ी ने ही वक्त में उनको मौका दिया, रियलिटी शो से उनको उठाया, उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग में स्टैब्लिश किया। इसके साथ साथ आपको बता दें, साजिद वाजिद की जोड़ी 90 के दशक और 2005 या 2004 तक एक तरह से बॉलीवुड में रूल कर रही थी। तमाम हिट फिल्में या जितने भी पॉप एल्बम्स थे इस जोड़ी ने दिए, लेकिन अब ये जोड़ी टूट गई है क्योंकि वाजिद नहीं रहे। सिंगर भी थे, कंपोजर भी थे, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थे वाजिद खान, और साजिद वाजिद की जोड़ी आज टूट गई है क्योंकि संगीतकार वाजिद खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, वेंटिलेटर पर थे, आखिरी वक्त में बताया जा रहा हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है और आखिरी वक्त में वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। इनके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सुपर हिट जोड़ी रही है इन दोनों भाइयों की। इन्होंने सलमान खान की तमाम मूवीज में हिट गाने दिए। देखिए, कई एल्बम्स में भी इन्होंने संगीत दिया, जैसे सोनू निगम की सबसे हिट एल्बम 1999 की दीवाना, उसमें संगीत दिया था इस जोड़ी ने, साजिद वाजिद की जोड़ी ने, और वो एल्बम बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा इस साजिद वाजिद की जोड़ी ने और पिछले 22 साल से फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम हो चुकी थी ये जोड़ी। और इसी जोड़ी में से एक वाजिद खान अब नहीं रहे। साजिद वाजिद की जोड़ी टूट गई। दोनों भाई थे, पिछले 22 सालों से लगातार संगीत की, फिल्मी दुनिया की, फिल्मों की सेवा कर रहे थे। प्रियंका चोपड़ा से लेकर तमाम बॉलीवुड के वो हस्ती जिन्होंने वाजिद खान के साथ काम किया है, चाहे बात करें सोना महापात्रा जो उनके साथ एक रियलिटी शो में जज के तौर पर काम कर चुकी थी, या फिर वो तमाम सिंगर जिन्होंने साजिद वाजिद की जोड़ी से काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ करियर में उनको मिला। खासतौर पर सोनू निगम के लिए 90 का दशक स्वर्णिम रहा क्योंकि साजिद वाजिद उनके साथ थे। उनकी सबसे आज तक की सबसे हिट एल्बम दीवाना, जिसमें उन्हीं का संगीत है। राहत फतेह अली खान कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत ही दुख का दिन है, दिन चढ़ा है, क्योंकि हमारे प्यारे, हमारे हर दिल अजीज म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर
और अपने काम में गुनी इंसान वाजिद भाई हम में नहीं रहे। इतना बड़ा नुकसान, एक और इतना बड़ा नुकसान के जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, उनका दुख जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ ही जाएगा, और ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। राहत फतेह अली खान को आप सुन रहे थे। जिसने भी ये खबर सुनी है वो आहत है, क्योंकि जो भी उनको करीब से जानता था वो कह रहा है कि बहुत अच्छी शख्सियत थे, अच्छे म्यूजिक कंपोजर तो वो थे ही थे। वरुण धवन बॉलीवुड के एक और एक्टर हैं जिन्होंने ये बात ट्वीट करके बताई और कहा कि मेरे परिवार के बहुत करीब थे वाजिद खान, और उनके निधन की खबर सुनकर मैं और मेरा पूरा परिवार स्तब्ध है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, किडनी और गले के संक्रमण से पहले से ही परेशान थे और उसके बाद कोरोना आखिर वक्त में हो गया। संगीतकार वाजिद खान अब हमारे बीच नहीं रहे, हार्ट अटैक उनके निधन को बड़ा वजह बताया जा रहा है। और अस्पताल की तस्वीरें आ गई हैं जिस अस्पताल में वो आखिर वक्त में सांसें गिन रहे थे, उस अस्पताल की तस्वीरें हैं। वाजिद खान अब हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए सुराना सेठिया हॉस्पिटल जहां पर वाजिद खान का निधन हुआ, हमारे संवाददाता सत्यम सिंह वहां मौजूद हैं। सत्यम, अभी का क्या अपडेट है? वाजिद खान साहब की जो पार्थिव शरीर है, उनका जो अंतिम क्रिया होगी कितने बजे होगी, कहाँ पर है अभी उनके परिवार के लोग? जी बता दें कि मशहूर संगीतकार जोड़ी है साजिद वाजिद की, जिसमें वाजिद खान देर रात कल नहीं रहे, उनका आखिरी सांस है जो पुराना पेठिया हॉस्पिटल है। इस पेठिया हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले वो उपचार के लिए ट्रीटमेंट के लिए आए थे, जिनका पहली जांच में पता चल रहा है कि किडनी का और गले में इंफेक्शन की वजह से इस जगह पे उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था कुछ दिन पहले। आज जिसमें देर रात उनकी मौत हो गई है, उसके बाद अभी का इस समय है हम हॉस्पिटल के बाहर ही है, सुराना सेठिया हॉस्पिटल का, यहाँ पर उनका बॉडी है हॉस्पिटल के अंदर ही है। बट अभी कुछ उनकी तरफ से फैमिली का इधर मेंबर कोई इधर पे दिख नहीं रहा है। थोड़ी टाइम में यदि फैमिली के मेंबर आएंगे उसके बाद आगे का जो क्रिया बॉडी लेके जाने का और कहाँ पर लेके जाने ये पूरा थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। सत्यम, मेडिकल बुलेटिन अगर जारी हुआ है या फिर कोई मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है तो मरने की वजह क्या हार्ट अटैक बताया गया है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अंतिम वक्त में वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। देर रात से जो चर्चा चल रहा है अभी मेडिकल में कुछ ऐसा रिपोर्ट अपने वाला ऑफिशियली आया नहीं, जिसमें देर रात में पहला कोरोना पॉजिटिव का चर्चा चल रहा था, उसके बाद में फिर हार्ट अटैक और किडनी और इसका गले का इंफेक्शन की वजह बताया जा रहा है। थोड़ी ही टाइम में हॉस्पिटल का कोई मेडिकल प्रशासन या कोई सामने आके बताएगा, लेकिन उसके बाद ऑफिशियली पता चलेगा कि नहीं प्रॉब्लम किस वजह से हुआ। लेकिन जो प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये हार्ट अटैक और गले का इन्फेक्शन का वजह बताया जा रहा है।